हे गाइस, देखो कुछ लोग जो हैं दोबारा बड़ी गलती कर सकते हैं। बड़ी गलती का मतलब जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। समझने की पहले ही कोशिश करेंगे, प्रॉपर रीज़न के साथ समझाते हुए नजर आऊंगा। किसके साथ? प्रॉपर रीज़न के साथ। ऐसा हवे हवे में बात करने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया, पहले पढ़ो। यहाँ पर बिगेस्ट IPO इन इंडिया आपको बताया जा रहा, ठीक है। बिगेस्ट IPO इन इंडिया आपको बताया जा रहा, जो बताया जा रहा 11 लाख करोड़ का होगा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा होगा, 11 लाख करोड़ का होगा। टाटा सन्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि सितंबर बताया जा रहा 2025 को देखने को मिल सकता है यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जब इतनी बड़ी कंपनी ऑलरेडी लिस्ट होगी तो ये शेयर होल्डर्स को रिटर्न क्या निकाल के देगा। समझो कि ये ऑलरेडी 11 लाख करोड़ का है, तो इसको अगर शेयर होल्डर्स को पैसा डबल करना है तो भाई इसको 22 लाख करोड़ का होना है, जो कि रिलायंस अभी 18 लाख करोड़ का है। 2022 तक हो सकता है, एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, मतलब नॉर्मल बोल रहा हूँ, ये कोई गारंटी नहीं है कि रिलायंस हो सकता है कि मतलब 40 लाख करोड़ का हो जाए। नॉर्मल लेके चलते हैं, 30 से 40 लाख करोड़ का होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी इतना बड़ा IPO आ रहा है, तो होगा क्या कि यहाँ पर आपको कुछ बड़ा रिटर्न नहीं मिल पाएगा। और लोग क्या करेंगे कि इस चक्कर में कि वो मतलब बड़ी बहुत बड़ा IPO है, बहुत बड़ा IPO, और जब यहाँ पर नाम टाटा का आ जाएगा ना तो लोग और कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई टाटा 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 करके, ठीक है, टाटा सन, ठीक है, अलग ग्रुप का है, लेकिन लोग जो टाटा का नाम देख के मतलब खरीदना स्टार्ट कर देंगे और इसी चक्कर में वो फंस जाएंगे। पहले LIC को भी लेकर इसी तरीके से मतलब जो है गलत खबर आते रहती थी कि LIC बहुत बड़ा IPO आने वाला है, बहुत ही बड़ा IPO आने वाला है, मेगा IPO आने वाला है, चेगा IPO आने वाला है, जितना भी समझ लो, कुछ भी मुंह में आए उसको बोल दो, उसके बाद में बोल दो ये IPO आने वाला है करके, समझ रहे हो ना। जिस तरीके से मतलब मार्केट में जाते हैं ना, उस तरीके से ये बताया जा रहा। लेकिन IPO आया तो क्या होगा, लोगों को नुकसान दिया। लॉस से डर नहीं लगता सर, लॉस से किसको डर लगता है, किसी को डर नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है ना कि जब ये रिकवर ना ले तो ज़्यादा टेंशन लेता है, और ये जिस तरीके से रिकवरी ले उसके बाजू वाला स्टॉक 10 गुना प्रॉफिट करके दे दे तो ज़्यादा टेंशन होता, ऐसा होता। तो LIC भी बहुत बड़ा IPO था, लेकिन उसके बाद जब रियलिटी खबर आई तो लोगों को पता चला मेगा IPO मेगा लॉस 2.5 लाख करोड़ का। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना बड़ा IPO आता है उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए डेंजर साइन रहना चाहिए, डेंजर साइन रहना चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनी ऑलरेडी मार्केट में आ रही है, लिस्ट हो रही है, तो वो आपको कितना बड़ा रिटर्न निकाल के देगा, कुछ भी नहीं। जियो का भी देखो, जियो का भी यही खबर आया था कि फाइनेंस में बहुत बड़ा आ रहा है, जियो फाइनेंस इतना बड़ा। तो सिंपल है भाई, जितनी बड़ी कंपनी का IPO आएगा उतना बड़ा लॉस आपको देखने को मिलेगा, जितना छोटा छोटा कंपनी का IPO आएगा उतना ज़्यादा मल्टीपल आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। समझो मैं आपको बताता हूँ, जब आपको जब एलोकेट हो जाएगा शेयर, जब भी किसी IPO का होता है तो आपको जब एलोकेट हो जाएगा शेयर तो उसका प्रीमियम तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रीमियम तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन प्रीमियम के साथ साथ स्टॉक मार्केट में आपको उसका शेयर अप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा, प्लस शेयर अप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा, तो दोनों तरफ से आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर किसी बड़े IPO में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर प्रीमियम तो छोड़ो, वो तो गया हाथ से, ये जो स्टॉक मार्केट में शेयर अप्रिसिएशन जो देखने को मिलने वाला ना वो भी नीचे चला जाएगा, मतलब चारों तरफ से आपको हेवी नुकसान होगा। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि जैसे कि नाइका, पेटीएम, जोमेटो, ये बहुत बड़े बड़े IPO आ रहे थे, 1-1 लाख करोड़ का आ रहा था। मतलब जिस फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं ना उसी फील्ड में मतलब और बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उन्होंने 1000% का रिटर्न दे रखा है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो छोटी थी कंपनी, और ये लोग पहले से ही एंट्री जब ले रहे हैं ना तो इनका एंट्री मतलब 1-2 लाख करोड़ का एंट्री ऐसे हो रहा है, तो फिर कैसे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कैसे होगा। पेटीएम 1 लाख करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, नाइका भी, सभी 1-1 लाख, उनको लगता है कि भाई हम मार्केट में एंट्री ले तो एकदम बहुत बड़े लेवल में एंट्री ले, और यही सारे जो है फेल हो जाते हैं। इनको जानता ही कौन है, करता ही कौन है भाई, इनसे अच्छे अच्छे बिजनेस मार्केट में चलते हुए नजर आ रहे हैं, और यही सारे स्टॉक जो है 70% गिरते हुए नजर आए। एक बार सोच के देखो, उन भाई साहब के बारे में सोच के देखो जिन्होंने ये सारे कंपनी में पैसा लगाया होगा IPO में, और IPO का मतलब पेटीएम का IPO का वैल्यू था 2200 रुपीज़ ऐसे, लेकिन ये 1800 रुपीज़ या 900 रुपीज़ के बाजू में वो ओपन हुआ था, जितना प्राइस था उससे भी वो नीचे ओपन हुआ था। सोचो उन लोगों के बारे में, सोचो कि उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। रिकवरी तो मैं आपको बोलूँगा अगले जन्म तक रुकना पड़ेगा उनको, मतलब भाव समझने की कोशिश कीजिए, बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा उनको अगर उनको रिकवरी केवल करना है तो। और जिन भाई साहब ने यही स्टॉक को नीचे में खरीदा वो पैसा 4-5 गुना कर लेंगे आराम से। इसके सामने मैं आपको बोलूँगा कि टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। टाटा ग्रुप का भी है बिल्कुल, जिस फील्ड में IPO आ रहा है वो फील्ड भी अच्छा है, और दूसरे और एक बात, कंपनी बहुत छोटी भी है,
तो ऐसे जगह पर पैसे लगाओ ना जो कंपनी ग्रो होने वाली हो। देखो आईपीओ का मतलब क्या होता है हम समझ नहीं पाते हैं भाई। एक बच्चा पैदा होता है और एक ही मान लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है उसकी बात अलग होती है, और मान लेते हैं कि आप एक तरीके से 30 साल के बच्चे को अगर आप अडॉप्ट करते हो तो वो भाई उनका माइंडसेट अलग होगा। एक 30 साल के आदमी को अगर आप अडॉप्ट करते हो कि भाई मेरे बच्चे नहीं है बच्चे नहीं करके, तो भाई वो बच्चा नहीं वो आदमी है, उनको पता है उनका फैमिली उनको पता है कि भाई तुम मेरे असली पेरेंट्स नहीं हो, उनको पता है कि चाहे जो भी हो तुम रियल नहीं हो करके, वो कहीं और शादी करेगा, तुम्हारे कास्ट के बारे में नहीं सोचेगा, बहुत सारे लोग कास्ट के बारे में प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, तुम जो जॉब बोलोगे वो नहीं करेगा, तुम बोलोगे यहाँ रहने वो नहीं रहेगा, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, पूछो क्यों। और भाई वो 30 ईयर्स का है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है उसको क्या करना नहीं करना। लेकिन एक छोटा बच्चे को अगर आप अडॉप्ट करते हो तो उसको कुछ नहीं पता होता, वो एकदम प्योर होता है भगवान की तरह। आप उनको मतलब जितने प्यार से रखोगे तो वो मतलब अपनापन रहता है। उसी तरीके से एक कंपनी क्यों आईपीओ लाती है, क्योंकि वो छोटी होती है, उसको मार्केट में बड़ा कुछ काम करना होता है, वो पैसा और रेज करती है। 3 स्टेज होते हैं पैसा रेज करने का, तो ये जो फाइनल स्टेज होता है समझ रहे हो, तो यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा रेज करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन ऑलरेडी 1 लाख 2 लाख भाई 10 लाख करोड़ का मतलब 11 लाख करोड़ का आईपीओ आ रहा है, और ये LIC का मतलब समझो कि 6 लाख करोड़ का, क्या ज़रूरत है भाई तुम्हें आईपीओ लाने का। और इस टाइम में तुमने आईपीओ क्यों लाया, जब लोगों को प्रॉफिट देना था उस टाइम लाना था ना, इस वजह से। आईपीओ लाने का मतलब जो है कंपनी छोटी है, फंड रेज करना चाहती है और कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहती है, उसको बोलते हैं आईपीओ। लेकिन ऑलरेडी बड़ी बहुत बड़ी जॉइंट कंपनी है वो आईपीओ ला रही है, मतलब समझो कि आपको ठगने के लिए ला रही है। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, पैसा बनेगा ही नहीं मार्केट में। SBI कार्ड का भी आईपीओ आया था, ठीक है, 1-2 साल पहले, वो भी 1 लाख करोड़ का, पता नहीं मतलब क्या कर रहे थे। SBI कार्ड का जिस दिन आईपीओ आया था उस दिन भी मैंने आपको बताया था क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। SBI इतने अच्छे अच्छे मतलब इतने अच्छे बैंक हैं, मतलब क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी क्यों लाए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा रीज़न। उसके साथ साथ LIC भी जिस दिन आया था, मेरा पूरा प्रूफ है, सारा प्रूफ मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपना पैसे लगा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि दूर रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, LIS Blue में भी खोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।